हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश में और आज है डे 4 और अभी हम लोग निकलने वाले हैं ज्वाला देवी माता जी का दर्शन करने के लिए। और फिलहाल तो आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू है, सब जगह जंगल ही जंगल है। देखिए मेरे पीछे भी पूरा ग्रीनरी है, जंगल जंगल, और आगे तो और भी सुंदर लग रहा है। पीछे तो धूप आ रहा है तो आगे का जो जंगल है वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जो लाइट पड़ रहा है उसका वजह से। और आप लोग अभी हम लोग गाड़ी देख सकते हो, वहाँ नीचे में पार्क है। और सुबह हम लोग 8 बजे के करीब यहाँ पे एंटर किए थे और यहाँ पे विलेज भी है। देखिए यहाँ पे जंगल के बीच में एक छोटा सा गाँव भी बसा हुआ है। तो चलिए यहाँ से निकला जाए ज्वाला देवी जी का दर्शन करने के लिए। सो अभी मैं नीचे जाने से पहले आपको एक पूरा अराउंड व्यू दे देता हूँ जहाँ हम लोग स्टे किए हैं अपना। चला जाए यहाँ से नीचे और आपको नीचे से भी पूरा व्यू दिखाना है। अभी हम लोग जहाँ स्टे किए हैं स्टेयर से चलिए नीचे चला जाए। और यहाँ तो पूरा जंगल है, यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ छोटा सा, वो भी दिखाता हूँ आपको चल के। और प्लांटेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ प्लांटेशन करने के लिए भी, वो भी दिखाता हूँ आपको चल के अभी। तो ये देखिए यहाँ से स्टेयर से नीचे आते ही यहाँ ये सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पर भी बहुत सारा रूम है पर हम लोग का तो सबसे नीचे में दिया हुआ है। तो अभी आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पे छोटा सा कुछ गार्डन बना हुआ है। और अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है हम लोग का ये हाउस में, मतलब हम लोग का ये गेस्ट हाउस में। यहाँ पे झूला है, यहाँ पे छोटा से में देखिए छोटा से स्पेस में खेती किया हुआ है पूरा जोत के। यहाँ से मेन एंट्रेंस शुरू होता है, तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर भी पूरा गार्डन एरिया बनाया हुआ है छोटा सा, मतलब यहाँ पर पूरा ग्रीनरी है। और ये देखिए यहाँ पर लॉबी का कुछ ऐसा है। सब तरफ देखिए ग्रीनरी है। यहाँ पर भी छोटा सा गार्डन टाइप का बना है बीच में भी, यहाँ पर फाउंटेन है पर पानी नहीं है फिलहाल तो। और हम लोगों का गाड़ी देखिए इधर खड़ा है और पहले गाड़ी वहाँ खड़ा था, यहाँ पर वैन टाइप का एक गाड़ी रखा हुआ था तो वो अभी चल गया, तो इसीलिए पापा अभी आगे कर दिए हम लोग गाड़ी। और हम लोग जहाँ फंसे थे वो तो आप लोगों ने देखा होगा। और हम लोग इससे और हम लोग यहाँ आने से पहले हम लोग एक रास्ता उधर से भी आता है जो कि बहुत पतला रास्ता है, कार वाले के लिए नहीं है, तो हम लोग गलती से वहाँ पे अपना गाड़ी फंसा दिए थे। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले ब्लॉग में, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बहुत ही मुश्किलों से हम लोग का गाड़ी यहाँ तक आया निकल के वहाँ से, क्योंकि पूरा डाउन हिल था और हम लोग रिवर्स करके जब ऊपर आए थे तब तो गाड़ी आराम से चल गया था हम लोग का। और बाकी आप लोग व्यू चेक कीजिए यहाँ पे कितना मस्त है। और ये देखिए ये है विलेज होम स्टे, यहाँ पे ये है स्टे किया अपना। यहाँ पे पेड़ भी सब देखिए कितना सुंदर है सब। और मैं यहीं पे बात कर देखिए यहाँ पे प्लांटेशन हुआ अंदर में, और एक वहाँ भी है और एक यहाँ। तो फिलहाल अभी आप लोग कुछ क्लिप देखिए अच्छा। सुबह आए थे तो यहाँ पर बहुत ही ठंड लग रहा था सुबह में, और फिलहाल तो नॉर्मल हो गया टेम्परेचर, धूप वूप सब हो चुका है। और मैं यहाँ पे आया हूँ आपको यहाँ का गेट से पूरा एक व्यू देने के लिए कि कैसा व्यू आ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ मेन हम लोग इसलिए यहाँ पर अपना होम स्टे चूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अगर इतना दूर आए हैं तो व्यू के लिए तो थोड़ा हम लोग कोशिश कर ही सकते हैं अच्छा अच्छा जगह में रुकने का। यहाँ से गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कितना मस्त व्यू, ये देखिए।
तो बस अभी थोड़ी देर में अपना सफर शुरू करते हैं यहाँ से मंदिर के लिए। गाड़ी बाहर आ रहा है। अभी आज का ट्रिप हम लोग शुरू करते हैं और ये रहा हम लोग का होम स्टे। और रोड में यही रोड का बात कर रहा था कि जो 20 मीटर तक खराब है पूरा। यहाँ पे देखिए फिर से वो ऊंचा वाला रोड। क्यों बहुत ज्यादा ऊपर है रोड, मतलब पूरा ऐसे करके स्टील ऐसे। और वहाँ देखिए जो छोटा छोटा दिख रहा है वो हम लोग का होटल है, वहीं हम लोग रुके थे, अपना स्टे किए हैं रिजॉर्ट। फिर से ऊंचा वाला रोड आ गया। अभी जो घाटी टाइप का रोड था उससे हम लोग निकल चुके हैं और अभी हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ से 1 घंटा लगेगा ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए। देखिए 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ज्वाला जी का यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और कार पार्क करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे। गाड़ी इधर पार्क की हम लोग और चलते हैं यहाँ से ज्वाला जी का दर्शन करने के लिए। और पार्किंग है इधर पूरा, देख लीजिए पूरा पार्किंग है। और यहाँ पे देखिए कितना पहाड़ है। सो अभी हम लोग पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है ज्वाला देवी मंदिर का। यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए माता जी के। कितना सारा प्रसादी का दुकान है, ऐसा प्रसाद ले सकते हैं माता जी को चढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ अपना जूता चप्पल रखे है दोनों में और यहाँ से प्रसाद लेते हैं अभी। और फिर वहाँ से हम लोग को अपना स्टेयर से शुरू करना है ट्रैक ऊपर तक ज्वाला देवी तक। प्रसादी भी ले लिए हैं तो चलिए शुरू किया जाए ट्रैक अब ऊपर तक। जय माता दी। तो अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं दर्शन करने के लिए। टीवी में के दर्शन हो रहा माता जी का। मंदिर का दर्शन आ गए हम लोग। जय माता दी। जय माता दी।
अभी उनका दर्शन हो चुका है, अभी बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से। अभी हम लोग दर्शन कर लिए माता जी का यहाँ, और यहाँ पर देखिए कितना सारा मंदिर है छोटा छोटा। तो अभी हम लोगों का दर्शन हो चुका है, आप मेरे पीछे मंदिर भी देख सकते हो माता जी का। यही भवन है माँ ज्वाला देवी जी का। जोर से बोलो जय माता दी। और ये शक्तिपीठों में से एक है ज्वाला जी का मंदिर। अभी सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं हम लोग वापस। अभी हम लोग यहाँ पे मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, एकदम मशीन से निकल रहा। अभी हम लोग निकल चुके हैं ज्वाला देवी मंदिर का दर्शन करके, और अभी जा रहे हैं बंगला मुखी टेम्पल के लिए।